संगीतासिंह.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पॉपकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं पॉपकॉर्न बनाना और देख लेते हैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये 100 ग्राम मक्का मैं ले रखी हूँ पॉपकॉर्न वाला, और ये एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी ले रखी हूँ, आधी चम्मच छोटे चम्मच से नमक ले रखी हूँ, और एक चम्मच के बराबर मैं तेल डालूंगी इसमें से सरसों तेल, और ये एक चौथाई छोटा चम्मच चाट मसाला ले रखी हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले गैस ऑन करूँगी और कुकर चढ़ा दूँगी और कुकर को थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। कुकर हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। मैं ये एक चम्मच के बराबर तेल डालूंगी सरसों का, ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, और ये मैं नमक डाल रही हूँ, नमक अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी को मैं मिक्स कर दूंगी। हाँ, हल्दी हमारा मिक्स हो गया। अब ये मैं मक्का डालूंगी और मक्के को ऐसे चला दूंगी कि मतलब कोट हो जाए हल्दी और तेल में, और अब मैं ये नमक भी डाल दूंगी। ये कोट हो गया, ऐसे मिला लें कि जैसे कि बिल्कुल मक्का मतलब तेल नमक और हल्दी से ढक जाए चारों तरफ से, ऐसे कोट हो जाए बिल्कुल, ऐसे मैं कर दी। और अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसमें का मैं सीटी निकाल दी हूँ, और ऐसे ही अच्छा गर्म होने दूंगी कुकर। अभी हाई फ्लेम ही रखूंगी, जब अच्छा गर्म हो जाएगा तब फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी। कुकर हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब मैं मक्का के फूटने का इंतज़ार कर रही हूँ। मक्का के फूटने का जैसे ही आवाज़ आएगा तो मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी। ये देखिए आवाज़ आने लगी है, मक्का हमारा फूटने लगा है, पॉपकॉर्न में बदलने लगा है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे हिला दूंगी एक बार, फिर 2-4 सेकंड के लिए ऐसे रहने दूंगी, फिर मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी। मक्का हमारा खूब फूटने लगा है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दे रही हूँ, मीडियम कर दे रही हूँ, और इसको बीच बीच में ऐसे एक दो बार हिला दूंगी। थोड़ा लो हो गया है फ्लेम, मैं मीडियम कर दी। जब मक्का फूट जाएगा, फूटना बंद हो जाएगा, तब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब मक्का हमारा फूटना बंद हो रहा है, बहुत आवाज़ें कम आने लगी है। अब मैं फ्लेम बंद कर दे रही हूँ, एक दो जो होगा वो फूट जाएगा, उसके बाद मैं ढक्कन खोल कर देख लूँगी। अब मैं कुकर खोल रही हूँ और अपना पॉपकॉर्न चेक कर रही हूँ। ये देखिए हमारा पॉपकॉर्न कितना अच्छा फूटा है, और 100 ग्राम मेरा पॉपकॉर्न है। ये देखिए इस तरीके से अगर आप पॉपकॉर्न बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए इसमें कलछी लगाने का भी जगह नहीं है, इतना भरा है हमारा पॉपकॉर्न। तो इसको मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ, निकाल भी नहीं पा रही हूँ। इस तरीके से आप बनाना एक बार और कमेंट्स करना, ताकि मैं भी जानूँ आपका पॉपकॉर्न कैसा बना। और हल्दी डाल देने से देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा आया है, और नमक भी इसमें मिक्स हो गया है। थोड़ा सा ऊपर से मैं चाट मसाला ऐड कर दूंगी, बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। ये देखिए हमारा पॉपकॉर्न सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इसको थोड़ा सा चाट मसाले से गार्निश कर दे रही हूँ। तो आप भी बाजार से पॉपकॉर्न वाला मक्का लाइए और पॉपकॉर्न बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव संगीतासिंह.com पर शेयर कीजिए, ताकि मैं भी जानूँ आपका पॉपकॉर्न कैसा बना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। नमस्कार।